वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? हम सब भी खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए फिर, स्वागत है आपका ज़ारिया मसाला किचन में। और दिखाती हूँ कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। मैं आज बनाने वाली हूँ दम बिरयानी, मटन दम बिरयानी। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे चाहिए मटन, ये आधा केजी से थोड़ा ज़्यादा है। और चावल, सॉरी टमाटर 3 है, प्याज 5 है, ये गरम मसाले हैं, खड़े मसाले, मिर्ची है, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, और ये है दही। और ये चावल आधा केजी है। और ये मुझे कुछ लगेंगे मसाले, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों मसाले। तो इसमें लगेगा मुझे सारे, टोटल सारे मसाले लगेंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें हल्दी पाउडर है, मिर्चा पाउडर है, ये आपका गरम मसाला है, चिकन मसाला है, ये गोलकी पाउडर है, ये ज़ीरा पाउडर है, और ये धनिया पाउडर है। और उसके साथ साथ मुझे लगेगा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिए, और नमक लगेगा, ऑयल लगेगा। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाह करके। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाह करके। और कुकर में ही गलाऊंगी, क्यों बोलो, कुकर में जल्दी भी होगा और गैस भी कम है दोस्तों। अगर बिरयानी पकाते पकाते ख़त्म हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और संडे है इसलिए गैस नहीं मिला है, सिलेंडर नहीं मिली है, इसीलिए मैं आपको आपका। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाह करके। और फिर कुकर को चढ़ा लेती हूँ चूल्हे पे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गरम हो गई है, चूल्हा मैंने चला लिया था। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून तेल डालूँगी, और ज़्यादा ही पड़ेगा, आधा के जी गोश्त में, आधा पाव तक, आधा पाव से थोड़ा ज़्यादा ही तेल लीजिएगा, क्योंकि बिरयानी में अगर तेल नहीं है दोस्तों तो बिरयानी मज़ा नहीं आती, ठीक है। तो ये देखिए मैंने डाल ली हूँ तेल, और तेल को होने देती हूँ गरम। तो देखिए तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी खड़े मसाले, और उसके साथ साथ डाल दूंगी मैं प्याज, और प्याज के साथ साथ डाल मिर्चा डालती हूँ, और मिर्चा के साथ साथ डाल दूंगी मैं प्याज, और तो चलिए प्याज को लाल होने देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं प्याज के साथ साथ कुछ धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती भी डाल दी हूँ उसके साथ, उसका फ्लेवर उसके साथ बहुत अच्छा आता है। तो अगर बिरयानी आपको टेस्टी चाहिए तो आपका धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती पहले ही डाल दीजिएगा, तब जाके उसके साथ जो प्याज के साथ भूंजेगा उसका फ्लेवर आएगा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए फिर प्याज लाल होती है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए प्याज लाल हो गया है, अब मैं इसमें मटन के पीसेस डालूंगी जो कि मैं धोई थी अच्छी तरह से, ये देखिए। ये देखिए मैं मटन के पीसेस अच्छी तरह से डाल दी हूँ, चूल्हे को कर दूंगी सिम, उसके बाद पूरे सारे मसाले डालूंगी। और ये देखिए मैं 1 टेबल स्पून नमक डालूंगी, बाद में अगर कम होगा तो फिर और डाल दूंगी, ठीक है। उसमें मैं डालूंगी 3 टमाटर जो मैं काट के रखी थी, और कुछ कच्चा प्याज डालूंगी, और उसके साथ साथ थोड़ा से धनिया और पुदीना के पत्ते भी थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी, और बाकी दम लगाऊंगी तब डालूंगी। और उसके साथ मैं डालूंगी आपका दही थोड़ा से, ठीक है। और चलिए मैं उसमें मसाले ऐड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, ये 1 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर, और 1 टेबल स्पून मिर्चा पाउडर है, उसमें और डालूंगी 2 टीस्पून होगा, ठीक है। धनिया पाउडर आपका 1
टू टीस्पून डालूंगी, जीरा पाउडर थोड़ा से डालूंगी, ये आपका चिकन मसाला, चिकन मसाला नहीं डालूंगी इसमें, मैं मीट मसाला डालूंगी, ठीक है। और ये गरम मसाला है, और ये आपका गोलकी का पाउडर है थोड़ा, तो चलिए मैं मीट मसाला डालती हूँ उसके बाद। तो देखिए ये मीट मसाला है, ये मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून, और इसमें डालूंगी मैं आपका अदरक लहसुन का पेस्ट लगभग 2 टीस्पून, सॉरी 2 टेबल स्पून, ठीक है। ये देखिए मैं डालती हूँ, अब सबको मिला लूँगी और एक सीटी होने तक पका लूँगी, उसके बाद सिम कर दूँगी, 10 मिनट के बाद मैं बंद कर दूँगी। तो आप देखिए 10 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ जब गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा। और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करिएगा दोस्तों, क्यों बोलिए, टमाटर का पानी छूटेगा, गोश्त अपना पानी खुद छोड़ता है, मटन और मटन पानी छोड़ता है, और दही भी डाली हूँ, तो इस सब में गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा, आप टेंशन फ्री होइए, वो जलेगा नहीं, ठीक है। एक सीटी मारिएगा, दम में दे दीजिए, सिम कर दीजिएगा, उसके बाद आप जितना आपको आपको पता है कि कितना टाइम में आपका गोश्त गलता है, अलग अलग जगह का अलग अलग ये है, तो आप उस हिसाब से गोश्त को गला लीजिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं, हम सब भी खैरियत से हैं। तो चलिए आपका स्वागत है ज़ारे मसाला किचन में, और मैं आपको बिरयानी के साथ जो रायता बनता है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ले ली है यहाँ दही, और इसमें ये प्याज, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती और एक मिर्ची काट के रखी हूँ, ये इसको मैं डाल दूँगी, और इसमें ऐड कर दूँगी मैं नमक, और आप मिर्ची और बढ़ा सकते हैं आपको जितना पसंद है मिर्ची, और इसमें डाल दूँगी मैं जीरा का पाउडर और थोड़ा से गोलकी का पाउडर, ठीक है। और इस सबको मिला दूँगी मैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए मेरी रायता बन के तैयार है, हैं, और मैं ये बिरयानी के साथ आपको सर्व करके बताऊंगी, और इसके साथ साथ दालचा भी बताऊंगी, सर्व करके दिखाऊंगी। और पहले मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ दालचा की, तो चलिए फिर इंतज़ार करती हूँ बिरयानी बनने का, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, तो देखिए अच्छी तरह से मेरे गोश्त गल गया है, मैं इसको डाल दूँगी डेगची में, और डेगची को चढ़ा लूँगी, और डेगची को चढ़ा लूँगी गैस पे। देखिए मैंने गैस जला ली है, अब ये पानी पूरा सूख जाएगा, इतना गोश्त को मैं भून दूँगी अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डाली थी, कितना पानी निकला है गोश्त से, टमाटर का, दही का, और तेज़ आँच में इसको अच्छी तरह से भून लूँगी मैं, ठीक है। उसके बाद चावल, अच्छा एक काम करती हूँ, ये जब तक होता है मैं आपको चावल बता देती हूँ। देखिए चावल देखिए मैं धोई नहीं थी, उधर गोश्त भुंजा रहा है, जब तक मैं ये चावल को धो के भिंगा लूँगी, पहले से नहीं भिंगाइएगा, देखिए नया चावल है, पूरा गीला हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये अभी मैं भिंगा लूँगी धो के, जब तक गोश्त भुंजा रहा है आपका चावल आधा घंटा में या 20 मिनट लगता, जब तक अच्छी तरह से फूल जाएगा, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से मेरा मटन भुंज रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए देखिए अब ये पूरा अच्छी तरह से भुन जाएगा, तब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, और कितना पानी ऐड करती हूँ, कितना क्वांटिटी में मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मेरा मटन अच्छी तरह से भुंज गया है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है, अब इसमें ऐड मैं कर दूँगी पानी। तो देखिए ये डेगची में मैं चावल ली थी, और उसका डबल मैं पानी उसमें ऐड करूँगी, और पानी डालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, पानी डालती हूँ, और ये पानी कितनी अच्छी तरह उबल रही है, अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी, और आप जब पानी डालिएगा तो एक बार नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देखिए मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको मैं एक
उबलने लगेगा तब मैं इसको थोड़ा सिम कर दूंगी मीडियम हीट में, मीडियम से थोड़ा कम ही करके इसको चावल को अच्छी तरह से पकाती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से उबल रही है। अब इसको कर दूंगी मैं मीडियम, ठीक है, मीडियम हीट पे कर दूंगी और छोड़ दूंगी चावल पूरा ऊपर आए तक। ठीक है, देखिए चावल ऊपर तक आ गई है। अब मैं इसमें दम दूंगी, ये धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती ऊपर से डाल के गाय घी डालूंगी और दम दूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसको दम दे रही हूँ और ये तवा चढ़ा ली हूँ, सिम कर ली हूँ गैस को। अब मैं इसमें डाल दूँगी, देखिए धनिया पुदीना पत्ती, और डाल दूँगी थोड़ा गाय घी, ये देखिए, ठीक है, और कर लूँगी बंद। और सिम में इसको 10 मिनट के लिए ही दम दूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी खोल के 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी बिरयानी पक के रेडी हो गई है। ये देखिए कितना अच्छी तरह से पकी है। और ये उसके साथ है दालचा और दही, जो मैं रेसिपी डाल चुकी हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो प्लीज़ देखिए, अगर मेरी बनाई हुई बिरयानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने टोटल 52 से भी 52 से भी ज़्यादा रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ। और कोई एक दो रेसिपी डाल देख के बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो उसका फॉल्ट है दोस्तों, हमारा नहीं है। और जाहिर सी बात है, जिसकी दिल में बुराई रहती है देखो वो मुंह तक आ ही जाती है। तो हम लोग को हमेशा अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह बेहतर हर चीज़ को जानने वाला है। और कोई अगर दिल में बुराई रखा है मेरे लिए तो वो अल्लाह उसको बेहतर देखेगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इधर उधर की बातों को ध्यान मत दीजिए, और आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को देखिए, और हमारी जो मैं जो टेक्निक से बनाती हूँ वो टेक्निक से बनाइए और ट्राई करिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स में बताइए, और दुआओं में याद रखिए दोस्तों। तो फिर मिलती हूँ फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।